नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। कटनी जिले में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। धुरेड़ी और इसके दूसरे दिन मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट में 48 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस खबर से स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर हड़कंप व्याप्त हो गया है। इसमें 26 केस रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट में और 22 केस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की रिपोर्ट में मिले हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2500 के करीब पहुंचने जा रही है। इसके बावजूद लोगों द्वारा न तो सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और न ही सतर्कता बरती जा रही है, जिसके चलते पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान के बावजूद जिले में कोरोना संक्रमण का असर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। होली में शहर में दो बड़े कार्यक्रम हुए, जहां धारा 144 लागू होने के बाद भी ऐसे कार्यक्रम और जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध का असर भी नहीं दिखा। न कलेक्टर के आदेश का पालन कराया गया था। होली पर सुभाष चौक पर रंगारंग कार्यक्रम और घंटाघर में कवि सम्मेलन इसी से जोड़कर देखा जा सकता है, जहां भीड़ की कोई रोकथाम की व्यवस्था नहीं की गई रही। ऐसे में आने वाले दिनों में कोरोना के संक्रमण के मामले को रोक पाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आज के कोरोना के आए आंकड़े से जिला प्रशासन आनन फानन बैठक कर सभी वर्गों, व्यापारियों, अधिकारियों और पत्रकारों के साथ आने वाले दिनों में किस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। यदि नियंत्रण और लोगों ने जागरूकता न दिखाई तो कड़े व कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं। विगत दिनों हुए कार्यक्रमों पर सख्ती दिखाया और अनुविभागीय अधिकारी से जांच रिपोर्ट तलब किया है। जांच रिपोर्ट आने पर गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ होगा तो कार्यवाही भी की जा सकती है। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी, कटनी। इतना बढ़िया कार्यक्रम आपने किया है, कोरोना जागरूकता अभियान के तहत कवि सम्मेलन, जिसमें हर आदमी एक दूसरे के पास बैठा है। एक के मास्क नहीं लगा हुआ, हम मास्क नहीं लगाएंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी करेंगे, लेकिन कोरोना की जागरूकता लाएंगे। इससे बड़े हास्य की क्या बात है। जी, आज सुबह भी हमें कुछ रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं ICMR से, और कल से कटनी में 49 रोगी बढ़ चुके हैं। अभी 49 की बात, हाँ, कल शाम को जो है 26 और आज 23, तो हमारी कुल संख्या 2487 हो चुकी है। एक्टिव रोगी उसमें 137 हैं, और होम आइसोलेशन में जो अभी तक हमारे पास अंतिम जानकारी हम कलेक्ट कर रहे थे, उसके हिसाब से 122 रोगी होम आइसोलेशन में हैं, 21 दुर्भाग्यजनक मृत्यु जो पूर्व से चली आ रही वो हैं, और लेकिन 2463 में उत्साहजनक बात यह है कि 2328 रोगी रिकवर हो चुके हैं, जो कि लगभग 94 अचानक इतना बड़ा फिगर आना, यस, निश्चित रूप से चिंताजनक है और सारे प्रदेश में है, लेकिन ये दो अलग अलग दिन की रिपोर्ट है। एक कल 30 तारीख की थी, 26 की, और दो दिन पूर्व की जो RT-PCR की रिपोर्ट आई थी, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते एक ही दिन में ये इतने आए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स हमें एक साथ प्राप्त हुई हैं, इसलिए गिनती आज की तारीख में होगी। और लेकिन ये सत्य है कि संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और चिंताजनक स्तर पे हम पहुँचे, इसके पहले हमें सुधारात्मक कार्यवाही खुद को करना पड़ेगी। आगे और क्या करने वाले कोशिश के लिए सतर्कता के लिए जी, जैसा हम लोगों का प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ चर्चा हुई है और माननीय CM साहब की VC से भी मैं आ रहा हूँ, तो पहली चीज़ है कि हमें जन जागरण काफ़ी करना पड़ेगा कि लोग अभी भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने की आदत का पालन शब्दशः करना शुरू करें। और धारा 144 पहले से लगी है, लेकिन यह है कि गैदरिंग्स जो हैं वो 50 से नीचे अनिवार्यतः रखी जाएं और वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का और नॉर्म्स का पालन हो। और तीसरी चीज़ है कि अनावश्यक यात्राएं लोग टालें, विशेषकर जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं, मध्य प्रदेश में भी कई हैं, महाराष्ट्र जैसा आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, उस जगह की यात्रा यदि टल सकती है तो उसको टाल दी जाए कुछ दिन।
और हम लोगों ने यहाँ पर अस्पताल में जो है रोगियों को ठहराने की व्यवस्था काफ़ी कुछ बना ली है, और ज़रूरत पड़ेगी तो इन सुविधाओं का और विस्तार भी किया जाएगा। जैसा कि 49 जो रिपोर्ट में आए हैं, इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जाएगी? इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जाएगी और वो ऑलरेडी वो कार्य जारी है। इससे लमसम और बढ़िया ज़्यादा पैमाने पर? हाँ, बढ़ सकता है, लेकिन हमें छुपाना नहीं है। हमें है ना उन रोगियों को चिन्हित करके उनका इलाज करना है और उन्हें स्वस्थ करना है, क्योंकि यदि वो अनप्रोटेक्टेड घूमते रहे तो खुद के स्वास्थ्य को भी खतरे में डालेंगे और अपने आसपास वाले को भी वो खतरे में डालेंगे। जी, साप्ताहिक, वो बात आपकी सही है, साप्ताहिक केस में प्रतिदिन का 20 से अधिक का औसत था। तो मतलब अब एक सप्ताह लगातार जैसे हो जाएगा अपना, एक सप्ताह तक लगातार अपने 20 से ज़्यादा केसेस अगर आएंगे तो हम उस श्रेणी में आएंगे। वो एक दिन का नहीं मानना था, तो वो बात आज हमने क्लियर भी की, और इस बात में भी सहमति है, सभी से हमारी चर्चा हुई है कि यदि स्थिति आएगी तो जो संडे में हमें अगर बाज़ार बंद करना पड़ेगा तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास समय है। व्यापार तभी हम इफेक्ट करेंगे जब हमें लगने लगेगा कि भाई हमें कंट्रोल करने के लिए नितांत आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग करना। सर, जैसा कि 28 तारीख का जो आपका ही आदेश था, उस आदेश के तहत शहर दोनों का आकलन कर लिए गए, उसका क्यों नहीं ऐसा? नहीं नहीं, देखिए हमारे आदेश में भी स्पष्ट था कि अनुमति के साथ जो है उसमें आज भी अनुमति के साथ कार्यक्रम किए जा सकते हैं, किसी भी जो है उसके लिए अनुभागीय अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। शादी और शव यात्रा के लिए क्योंकि शासन से ही निर्देश हैं कि भाई उनकी 20 से अधिक में उन्होंने लिमिट फिक्स की है, तो वो उसमें बिल्कुल स्पष्ट है। बाकी सभी कार्यक्रमों के लिए क्योंकि जिले की स्थिति को देखते हुए अनुभागीय अधिकारियों को अधिकृत किया गया है कि वो देख लें, आयोजकों की स्थिति देख लें, पालन किया जाने में वो सक्षम है तो करें, नहीं तो फिर जिम्मेदारी अनुभागीय स्तर पर और जो टीम अनुमति देगी उस पर भी फिक्स की जाएगी और आयोजकों को भी फिक्स की जाएगी। मेरे संज्ञान में ये बात आई कि कुछ आयोजन हुए, उसके लिए मैं अनुभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट भी ले रहा हूँ, आने वाले समय के लिए उनको सख्त लहजे में और रिटर्न रूप में भी निर्देशित कर दे रहा हूँ कि ऐसे अगर आयोजन होंगे जिसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो संबंधित आयोजकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।